नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, आपको हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इंटर पाठशाला। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद ही खास है। आपने जरूर यूट्यूब में देखते ही होंगे कि 3D Max के वीडियो जस्ट एक मॉडलिंग बना दिए, बस एज ए प्रैक्टिकली नहीं दिखाते हैं, बस जस्ट मॉडलिंग बना देते हैं 3D Max में और वही दिखाते हैं। बट मैं दोस्तों सबसे मैं डिफरेंट करने वाला हूँ। आज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ बाहर में कैसे काम चलता है, प्रैक्टिकली नॉलेज। तो ये वीडियो को थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो तक, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले आप नॉलेज ले लीजिए प्लाई बोर्ड। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्यूटर कैबिनेट। तो एक ऑफिस का कंप्यूटर कैबिनेट को कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए पहले हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन आपको बाद में दिखाऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये काम बनता है, कैसे बाहर में काम करते हैं। तो वो तो आप बिल्कुल ही पहले एक ले लीजिएगा प्लाई बोर्ड। प्लाई बोर्ड क्या होता है? प्लाई बोर्ड आप कोई भी दुकान में जाएंगे तो प्लाई बोर्ड बोलने से दे देगा, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा कितना का प्लाई बोर्ड, मीन्स 8x4 का होता है, 12x4 का होता है, इसी टाइप का बहुत सारा वैराइटीज़ होता है। तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे 8x4 का प्लाई बोर्ड विथ 18 mm, इसका जो थिकनेस होगा 18 mm होगा। तो ये जो 8x4 का प्लाई बोर्ड है उसको हम लोग पहले बीच से दो टुकड़ा करेंगे। ये देखिए जैसे कि इसमें वीडियो में है। तो दोस्तों, इसका जो लंबाई है वो 6 फीट का है और चौड़ाई जो है वो 2 फीट का है। तो इस वीडियो में देखिए, तो ऐसी किसी का मेजरमेंट से हम लोग बनाएंगे कंप्यूटर कैबिनेट। इस वीडियो को पूरा देखिए कैसे कैसे बन रहा है। पहले फेविकॉल लगाना पड़ता है, उसके बाद देखिए पेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो को देखते रहिए, इसमें आपको पता चल जाए कैसे ये बंद काम होता है। इस चीज़ का यहाँ पे कंप्यूटर बन रहा है 2 स्लैब का। पहला मॉडल इसमें लोग ऐसे बनाएंगे, ये देखिए एक ऑलरेडी बन चुका है। इसमें अभी इनकम्प्लीट वर्क है, इसमें लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कल तक। ये जस्ट एक मॉडल तैयार हुआ है प्लाई से विदाउट एनी माइका। इसका जो थिकनेस है वो 18 mm का है। इसका जो प्लाई बोर्ड है ना, प्लाई बोर्ड का थिकनेस 18 इंचज है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इसमें फेविकॉल लगा के इसको 2 पार्टीशन करेंगे। यहाँ पे CPU लगेगा, तो ये जस्ट स्लैब को बैठाने के लिए हम लोग फेविकॉल लगाएंगे पहले। तो देखिए, फेविकॉल लगाने के बाद हम लोग इसमें पेस्ट करेंगे प्लाई। मैं एक ऑलरेडी तैयार कर दिए थे प्लाई बोर्ड से एक टी शेप का, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें जस्ट फेविकॉल जहाँ लगा हुआ था तो इसमें पेस्ट करेंगे और ब्रेक मारेंगे। ये देखिए वीडियो में जैसे जिस तरीके से कर रहा है, देखिए पहले एक अच्छा से उसके अंदर फिट करेगा, फिट करने के बाद उसको एडजस्ट करने के बाद फिर ब्रेक मारेगा। अब दोस्तों, इसमें हम लोग करेंगे हर एक जगह से प्रेक मारेंगे जहाँ ये खुल ना पाए। तो ऊपर नीचे और जहाँ जहाँ पेस्ट हुआ, जहाँ जहाँ फेविकॉल लगा, हर एक जगह प्रेक मारेंगे एकदम अच्छा से, टाइट से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैबिनेट जो हम लोग जितना भी तैयार हुआ है उसको हम लोग पूरा उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद एक पतला प्लाईवुड को पीछे में पेस्ट करेंगे विद द फेविकॉल, फेविकॉल लगा के पिरेक मार के एकदम बैक साइड में। उसके बाद जो जो बच गया है प्लाईवुड जो किनारा किनारा साइड में, उसको लोग आरी से काट देंगे साइड से। फिर देखिए दोस्तों ये इस टाइप का देखने को लगेगा। तो ये हमारा काम देखिए हो गया है इतना तक। तो उसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट दिखाऊंगा इसका फुल कंप्लीट करके। ये जस्ट एक मॉडलिंग तैयार हुआ है विद द प्लाईवुड से। अब हम लोग इसमें सरमेका पेस्टिंग करेंगे, फिर लॉक लगाएंगे, फिर कंप्यूटर बैठा के इसको पूरा फुल डिटेल में दिखाएंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। थैंक यू।